नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। बगैर लाइसेंस और गंदगी पूर्ण वातावरण में टोस्ट और अन्य बेकरी उत्पाद निर्माण करने वाली बेकरी संचालक प्रभारी मालिक के विरुद्ध FIR दर्ज। इंदौर जिले में अमानक और अशुद्ध रूप से खाद्य सामग्री तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में की जा रही। इसी तारतम्य में कलेक्टर ने जिला प्रशासन के अमले द्वारा बड़ी कार्रवाई की है। अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने बताया कि बिना खाद्य लाइसेंस के भंडारण और गंदगी में निर्माण और मिथ्या छाप टोस्ट के विक्रय पर मैसर्स चॉइस उज्जैन बेकरी मुंडला नायता के प्रोप्राइटर साजिद हुसैन के विरुद्ध IPC 269-420 के अंतर्गत थाना तेजाजी नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई। बिना खाद्य लाइसेंस और गंदगी में निर्माण पर मैसर्स चॉइस बेकरी नायता मुंडला के प्रभारी सजाउद्दीन तेली और मालिक अब्दुल करीम के विरुद्ध भी IPC 269-420 में प्राथमिकी दर्ज हुई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसीलदार और थाना तेजाजी नगर पुलिस बल के साथ मैसर्स चॉइस उज्जैन बेकरी पता 6A मुंडला नायता इंदौर निर्माण के स्थल का निरीक्षण किया। फर्म के प्रोप्राइटर साजिद हुसैन द्वारा गंदगी में बेकरी उत्पाद टोस्ट और अन्य प्रोडक्ट का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा है। मौके पर अविशेष अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चॉइस बेबी टोस्ट, चॉइस मोटा कुरकुरा टोस्ट एवं मैदा के नमूने जांच के लिए दिए गए। चॉइस उज्जैन बेकरी के गोडाउन नायता मुंडला के तालाब के पास इंदौर पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस नहीं पाया। मौके पर विक्रय हेतु भंडारी चॉइस बेबी टोस्ट 2 किलो पैक के लेबल पर पैकिंग दिनांक और बैच नंबर अंकित नहीं पाए गए। मौके पर वितरित संग्रहित नाइस बेबी टोस्ट, जीरानी टोस्ट, चॉइस मोटा कुरकुरा टोस्ट, चॉइस सुपर इलायची टोस्ट के नमूने जांच के लिए गए हैं। चॉइस बेबी टोस्ट की शेष मात्रा को जब्त किया गया। इसी तरह मैसर्स चॉइस बेकरी नायता मुंडला इंदौर के प्रभारी सजाउद्दीन तेली और प्रोप्राइटर अब्दुल करीम के द्वारा गंदगी में बेकरी टोस्ट और बिस्किट का निर्माण बिना खाद्य लाइसेंस के करते पाए गए। मौके पर मैदा टोस्ट बिस्किट के नमूने जांच हेतु लिए गए। मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जाहिद मंसूरी की रिपोर्ट।